हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियन किचन। आज हम बनाने वाले हैं पालक से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। जो बच्चे पालक नहीं खाते वो भी इसे खाना शुरू कर देंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ली है पालक और इसे हमने अच्छे से धो लिया है और अब इसे हम काट लेंगे। सो हमने यहाँ लिया है एक बाउल और इसमें डाल देते हैं 1 कप कटी हुई पालक और इसमें डाल देते हैं 1/3 कप गेहूँ का आटा और इतना ही हमें इसमें बेसन भी डाल देना है और थोड़ी खटास के लिए हम इसमें डाल देते हैं नींबू का रस। आप चाहे तो आमचूर पाउडर या दही भी डाल सकते हैं और डाल देते हैं चुटकी भर हींग, 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कुटा हुआ अदरक लहसुन, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं और डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच ऑयल और बस अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करके इसका डो रेडी करना है। नॉर्मली जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें इसका आटा लगा लेना है। अब हम लगा लेते हैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल ताकि ये जो आटा हाथ में चिपक गया है वो निकल जाए। तो डो बनकर रेडी है और अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। सो इधर हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा है। इस नाश्ते को हम स्टीम करके बनाएंगे, तो स्टीम करने के लिए हमने यहाँ एक छलनी ली है और इस छलनी के ऊपर लगा देते हैं थोड़ा सा ऑयल और अब हम इस डो का एक रोल बनाएंगे और इस रोल को रख देते हैं छलनी में। और इधर पानी भी गर्म हो चुका है तो इस छलनी को रख देते हैं कढ़ाई में। हमारी छलनी कढ़ाई में एकदम फिक्स आ जाती है, बट आपकी छलनी अगर ना आए फिक्स तो कढ़ाई में पहले एक स्टैंड रखें फिर उसके ऊपर छलनी रखें। और अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तो इस रोल को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। सो इसे चेक करने के लिए हमने यहाँ एक टूथपिक ली है और टूथपिक को इसमें डाल के देखते हैं और देखिए टूथपिक एकदम क्लियर आई है। अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे उतार लेते हैं और ये रोल को हमें ठंडा होने देना है। तो ये रोल ठंडा हो चुका है और अब हम इस रोल को काटेंगे। इस रोल को ठंडा होने के बाद ही काटना है, गरम गरम में नहीं काटना है। अगर गरम गरम में काटेंगे तो रोल टूट सकता है, तो हमें इसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। तो हमने सारे पीसेस काट लिए हैं और अगर आप ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस नाश्ते को ऐसे ही खा सकते हैं, बट हम इस नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है और तेल गरम हो चुका है। अब हमें इस नाश्ते को इस ऑयल में डाल देना है और इन्हें मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। सो ये एक साइड से हल्के से फ्राई हो गए हैं, इन्हें पलट देते हैं। ऐसे हमें इसे उलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है। सो ये नाश्ता दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है और अब इन्हें निकाल लेते हैं। और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
और देखने से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हुए हैं और एकदम क्रिस्पी बने हैं। ऐसे ही हमें बाकी का बैच भी फ्राई कर लेना है। तो नाश्ते का सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है, इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो पालक का नाश्ता बनकर तैयार है और बच्चे इस नाश्ते को बहुत ही पसंद करते हैं। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।